हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, हम लोग जो पिछले वीडियो था वहाँ पर डिस्कस किए थे कि कैसे यहाँ पर एक इंडियन स्टूडेंट, जैसे कि मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकता हूँ। तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन में वो वीडियो का लिंक रख दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, या MBBS इन नेपाल प्ले लिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो इन डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेकिन वही जो हमने यहाँ पर ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंडियन स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट क्लियर हो कि नेपाल में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है और कैसे बेस्ट कॉलेज को ग्रैब कर किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, आप कहीं से भी हो, किसी भी पार्ट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ इंडिया हो, आपको ये फीलिंग नहीं आएगा जब आप सारे, जब हम लोग सेशन ख़त्म कर देंगे तो ये फीलिंग नहीं आएगा कि मैं किसी ऐसे जगह जा रहा हूँ जहाँ कि मुझे एडमिशन कैसे होता है, पढ़ाई कैसे होता है, किस तरह से पेमेंट होता है, किस तरह से बाकी चीज़ें होता है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल जाना से टेंशन नहीं होगा। सारे स्टेप से मैं आपको फेमिलियर करा दूँगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं विथिन इंडिया में स्टडी कर रहा हूँ। तो वही आप जो मैंने वहाँ से इंड किया था जिसके थ्रू, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रोसेस किया हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया था कि यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की फॉर्म फिलअप करना, MEC मीन्स MEC का जो है वो फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी हो जाता है। मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट मीन्स मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप मीन्स ये BL का मतलब बैचलर लेवल, UG जिस तरह से नीट होता है, NET यहाँ पर UG होता है, तो दिस UG इज इक्विवेलेंट टू दिस BL, यहाँ पर जो BL है उसके इक्विवेलेंट है, बैचलर लेवल प्रोग्राम, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर बैचलर लेवल प्रोग्राम बोला जा रहा है। तो ये फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है, मैंने यहाँ पर इंड किया था। तो इस फॉर्म में जो फिलअप करता है, मैंने जितना भी लास्ट पैटर्न्स हो रहा है मेडिकल एजुकेशन के अंडर में, वो सारे लास्ट पैटर्न्स में वो जब भी फॉर्म आता है तो उसमें आपको दो ठो ऑप्शन मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको होता है टू एपियर ये एग्जाम की जगह पर आप ये रिप्लेस कर लीजिए टू पेयर MEC BL, और यहाँ पर 2022 में होगा तो 2022 लिखा रहेगा, टू अपियर इन MEC BL एग्जाम 2022, फर्स्ट ऑप्शन हो गई। दूसरा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करते वक्त, स्पेशली फॉर फॉरेन के लिए है ये। सेकेंड ऑप्शन होता है नॉट टू अपियर MEC BL, और यहाँ पर लिखा रहेगा 2022 कुछ भी, बट क्वालिफाइड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। इसका मतलब क्या हो गई, ये बट क्वालिफाइड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी आपके नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया में नीट हो गई, ये क्या है नेशनल लेवल पर कराया जाता है, तो यहाँ पर नीट UG आपको देखा जाएगा, तो नीट UG आप क्वालिफाइड है तो आप ये पर भी डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ऑप्शन का हम लोग यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे, और वो आपको डिसाइड करना है आपको किस प्रायोरिटी पर जाना है। तो सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन चूज करता है, मीन्स टू यहाँ का जो कॉमन एंट्रेंस MEC BL हो रहा है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, वो उस एग्जाम में बैठता है, तो उसको क्या फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा कॉलेज सिलेक्शन के लिए, जो भी मैचिंग प्रोसेस या काउंसलिंग होगा उसमें सबसे पहले जो बच्चा यहाँ के एग्जाम में बैठा है उसको चांस दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। मींस ये बोला जाए सिंपल सी और साधारण सी भाषा में कि सबसे पहले उन बच्चे का काउंसलिंग होगा फॉरेन कैटेगोरी में, जो बच्चा यहाँ का एग्जाम में अपियर हुआ है, जो बच्चा यहाँ का एग्जाम दिया है। तो ये फर्स्ट ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हम लोग देखते हैं क्या है, इंक्रीजेस चांस ऑफ गेटिंग बेस्ट मेडिकल कॉलेज। अब आप खुद ही सोचिए, किसी भी बच्चे को फर्स्ट चांस मिल रहा है, फर्स्ट काउंसलिंग में बैठने का मौका मिल रहा है, तो वही बच्चे को अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेस मिलेगा, क्योंकि उस वक्त जिसको जितना जल्दी काउंसलिंग में जा बैठने को काउंसलिंग
के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग में जिसको पहले सीट अलॉट किया जाएगा उन्हीं बच्चे को सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि उनको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जब इनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा कॉलेज काउंसलिंग में बैठने के लिए, तो इनको ही बेस्ट कॉलेज मिलने की चांसेस है या अपने मनपसंद की कॉलेज लेने की चांसेस ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। ये बात हो गई। दूसरा में आता है नो नीड ऑफ रिसेंट स्कोर कार्ड। अगर इंडिया में क्या है आपको बता दें कि इंडिया में आप एक बार मानो कोई बच्चा 2020 में नीट क्वालिफाइड है, नीट क्वालिफाइड है 2020 में, तो ये नीट क्वालिफाइड 2023 तक की वैलिडिटी है। मीन्स 2020 के नीट क्वालिफाइड से 2023 तक कोई भी इंडिया में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है उसी नेट स्कोर कार्ड पर। लेकिन मेडिकल एजुकेशन ने क्या कहा है, अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ऑप्शन से जाते हैं तो आपको रिसेंट वाला मींस अभी 2022 में जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो 2022 के रिसेंट की स्कोर कार्ड आपको जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एग्जाम के बेसिस से आते हैं, नेपाल में एडमिशन लेते हैं, तो आपको कोई भी सेकेंड कैटेगोरी की मींस रिसेंट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। आप 2020 में भी पास है तो चल जाएगा, 2021 में भी पास आउट है तो चल जाएगा, और 2022 में भी है तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिसेंट की कोई भी कंपल्सन नहीं है, रिसेंट स्कोर कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। उसी तरह से आता है, अब ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर ली, ये पॉइंट भी इनडायरेक्टली हेल्पिंग टू बिकम अ बेस्ट डॉक्टर्स। अब देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है आपको पहले क्या हो रहा है, काउंसलिंग में बैठने को मौका मिल रहा है, पहले आपको कौन कॉलेज सेलेक्ट करने की मौका मिल रही है, पहले आपको सारे चीजें ये हो रहा था, आप बेस्ट कॉलेज में इनडायरेक्टली इनरोल हो रहे हो। जब बेस्ट कॉलेज में आप इनडायरेक्टली इनरोल हो रहे हो तो वहाँ पर की इन्वायरमेंट आपको कॉम्पिटिटिव, वहाँ की माहौल ऐसा मिलेगा आपको कि इनडायरेक्टली वो आपको सजेस्ट कर रहा होगा, मीन्स फोर्स कर रहा होगा, पुशअप कर रहा होगा कि आपको बेस्ट डॉक्टर में हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, इनडायरेक्टली जो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन से जाते हो तो यहाँ की एम्स दिल्ली की जो कॉलेज है उसकी कॉलेज की तरह आप यहाँ पर कॉलेज मिल पाओगा, और जैसे उस तरह की कॉलेज आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कॉलेज मिलेगा तो गारंटी सी बात है कि आपको बेस्ट डॉक्टर बनने में हेल्प कर रहा होगा, कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहा होगा। तो ये बात हो गई। अब आते हैं दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर चार ठो इम्पोर्टेंट जो मेजर इम्पोर्टेंट है वो चार ठो का मैंने यहाँ पर एडवांटेज में लिख दिया फर्स्ट का, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ऐसा नहीं है कि एडवांटेज सिर्फ है, कोई चीज़ का कौन सा इंफ्लोन दोनों होता है। तो मैंने यहाँ पर एडवांटेज डिस्कस कर ली, अब डिसएडवांटेज में आता है। डिसएडवांटेज में क्या है, अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी से जाते हो और आप नीट दे रहे हो, अभी तक नेपाल के एग्जाम से आप फेमिलियर नहीं हुआ और नीट दे रहे हो, तो नीट और एमएससी का जो एग्जाम है ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए सिलेबस तो सेम है, सिलेबस 80% जो है सेम है, दोनों के लिए सेम है। और इसमें क्या है, सिलेबस सेम हो गई, उसके बाद आपका क्या है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाना चाहिए वो डिफरेंट है, प्लस आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, वेटेज ऑफ क्वेश्चन को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उसी के लिए, उसी को रिमूव करने के लिए डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा, आपको PYQ मीन्स पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा, प्लस आपको यहाँ का मॉक टेस्ट से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि पासिंग रेशियो भी बहुत कम है, लास्ट ईयर हम 2 साल से मेडिकल एजुकेशन के आया हुआ है और 2 साल का अगर पैटर्न देखा जाए तो पासिंग रेशियो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 25% ओनली है। अगर 100 बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है तो ओनली 25 बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि इस साल ऑलमोस्ट आपको 300-400 के बच्चे करीब ने बैठे थे एग्जाम में, और वहां से आपको पासिंग रेशियो देखा जाए तो 260 बच्चे ने पास आउट हुआ। तो इसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 बच्चे में 20 से 25 बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये पासिंग रेशियो इसका डिसएडवांटेज हो गई। तो अब हम फाइनली इस पर सेकेंड कैटेगोरी वाले पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ें फायदा होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या नहीं होगा। तो मैं इसी इरेज करता हूँ, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला तो हो गई, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पर हो गई। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों, सेकेंड कैटेगरी में क्या हो गई,
सेकेंड कैटेगरी में आपको कोई भी एग्जाम के एडवांटेज, जैसे कि सेकेंड कैटेगरी के एडवांटेज हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट नीट पर लेते हो तो एग्जाम का कोई भी लफड़ा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर एमएससी के एग्जाम देने की कोई बात नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन टू नंबर, डायरेक्ट नीट के स्कोर पर, डायरेक्ट नीट स्कोर पर आप एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर लिख दो, एडमिशन लिख दीजिए, एडमिशन और नीट स्कोर, डायरेक्ट नीट के स्कोर पर आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लस आपका क्या है इसमें, नो एग्जाम फीस आपको करने, मतलब कि ट्रैवलिंग वगैरह की झंझट नहीं लेना पड़ेगा, जो भी डिसएडवांटेज था उसको यहाँ पर आज लिख सकते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल्स और प्लस यहाँ पर ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम्स देना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। प्लस आपको क्या होगा, इसमें आपका एक्सपेंसेस भी सेव हो रहेगा, क्यों कौन से एक्सपेंसेस सेव होगा इसमें एडवांटेज में हम देखते हैं, तो इसमें ट्रैवलिंग, जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस आपको सेव हो जाएगा, प्लस आपको स्टडी मटेरियल्स वाला सेव हो गई, प्लस आपको नो रिक्स ऑफ फेलियर, यहाँ पर फेलियर का कोई भी रिक्स नहीं है, तो ये बात हो गई। लेकिन इसमें आपको फेलियर का रिक्स था, अगर आप फेल हो जाते तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते। अब डिसएडवांटेज में आते हैं, इसी के डिसएडवांटेज में आते हैं नीट वाले में, तो डिसएडवांटेज में आप अगर देखते हैं डिसएडवांटेज में, तो आपको पहला डिसएडवांटेज क्या मिलेगा कि आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठाया जाएगा। दूसरा आपको क्या होगा, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि आपको डिजायर्ड कॉलेज मिलने की जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। तीसरा में आपको फी में जो है फी ऑलमोस्ट आपको हायर रैंकिंग जो कॉलेज है या बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उससे इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू हायर रैंकिंग वाला कॉलेज का फी जो है उससे इक्वल हो जाएगा आपके नीट के बेसिस पर डायरेक्ट आते हैं। तो चौथा क्या होगा डिसएडवांटेज में, आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्रीज हो जाएगा। और पांचवा में अगर आपको डिसएडवांटेज देखते हैं इसमें, तो इसमें आपको फ्रॉड होने की बहुत चांसेस रहेगा, इसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपको कॉलेज फी प्लस एक्स्ट्रा फी प्लस इसमें आपको आपका नीट का स्कोर कम है, ये है वो है इस तरह है, आप नहीं एलिजिबल हो, आपको यहाँ से कंसल्टेंसी फ्रॉड भी आपको यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, मीन्स यहाँ पर आपको ज़्यादा ठगा जा सकता है इस कैटेगोरी में, मीन्स जिस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर फ्रॉड वगैरह भी इंक्रीज हो सकता है, मीन्स ऑलमोस्ट हम देखा टोटल तो दोनों का हम लोग यहाँ पर फाइनली डिसएडवांटेज एडवांटेज मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। हो सकता है कि मैंने जल्दीबाजी में बोला हो तो आप लोग को ज़्यादा नहीं समझ आया होगा, तो मैं यहाँ पर दोनों का नीट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नीट दोनों का थोड़ा समराइज ऑफ कर दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप यहाँ का एग्जाम देते हो तो आपको यहाँ की बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकता है, जैसे कि इंडिया में कोई भी अगर किसी भी कंट्री का अगर बेस्ट मेडिकल कॉलेज पूछा जाए तो अगर बात देखेंगे आप, डाटा एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ मैन पावर एनालिसिस करेंगे, बेस्ट डॉक्टर्स एनालिसिस करेंगे, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से देखने को मिलेगा। तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है ना, प्रैक्टिस पर ज़्यादा सारे चीज़ें डिपेंड होता है और पेशेंट फ्लो एज कम्पेयर टू मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में काफ़ी कम होता है। किसी भी जगह की बात किया जाए, गवर्नमेंट में वो सारे चीज़ें सुविधाएं होती है जिसमें एक नॉर्मल पीपल भी अफोर्ड कर पाता है, एक या पुअर पीपल भी अफोर्ड कर पाता है, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सस्ता करने की बजाय भी वो नहीं अफोर्डेबल नहीं होता है पुअर के लिए, जिसके वजह से क्या होता है मोर पेशेंट फ्लो होता है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्टेड होता है रादर देन प्राइवेट।
तो प्राइवेट में जितने गवर्नमेंट में जितने ज्यादा है वो पैशन फ्लो होगा उतने ज्यादा आपको सीखने की नॉलेज की ज्यादा मीन्स प्रैक्टिस करने की आपको नॉलेज गेन करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिलाता है कि अगर आप एग्जाम देते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ग्रैब कर सकते हो, बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, नेपाल आर्मी हॉस्पिटल्स, कर्नाल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, ये सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसको आप ग्रैब कर सकते हो। तो जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ग्रैब करते हो तो आपको सारे चीजें सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेजेस में होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और स्टडी वगैरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। और जब हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है फी भी बहुत रिलेटिवली कंपेरिजन में प्राइवेट कॉलेजेस से सस्ता मिलता है आपको। और रहने के लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं, ये रूल वोल का उतना झंझट नहीं होता है। तो सबसे अगर ऑप्शन मुझसे पर्सनली पूछा जाए व्हिच ऑप्शन इज द बेस्ट, तो मैं ये कहूंगा अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि मैं यहाँ के एग्जाम पास कर सकता हूँ, आप 2-4 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 स्टडी मटेरियल से फैमिलियर होइए और वो देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ के एग्जाम में जस्ट क्वालिफाई हो सकता हूँ, जैसे कि 200 के एग्जाम्स होता है, तो आप 200 में जस्ट आप 80 नंबर भी ले आ सकते हो, तो मैं ये कहूँगा गो विद द एग्जामिनेशंस और आप एग्जाम में दीजिए और उसके बाद आप प्रॉपर गाइडेंस में एग्जाम क्लियर कीजिए और एग्जाम क्लियर के बाद आपने बेस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए दीजिए अगर आपके पास पैसा की स्कार्सिटी नहीं है। तो अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में, डायरेक्ट और नीट बेसिस। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये जाहिर से बात कर दूं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें काफी कम सीट है। टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सीट है यहाँ पर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अगर हम देखते हैं सीट नंबर ऑफ सीट, तो वहाँ पर 22 नंबर ऑफ सीट्स ओनली देखने को मिलेगा। तो वहाँ उसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के लिए आप डायरेक्ट नीट के बेसिस पर आते हो तो आपका ये नहीं है कि चांस नहीं बनता है, लेकिन आपका चांस बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 1% या 0.99% की करीब में चल जाता है आपकी चांसेस डायरेक्ट और नीट के बेसिस पर गवर्नमेंट कॉलेज ग्रैब करना। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस नीट के बेसिस पर ग्रैब करना एक सपना हो जाता है। और आते हैं यहाँ पर नीट के बेसिस पर भी आप प्राइवेट में बहुत ही शानदार कॉलेजेस ले सकते हैं और वो शानदार कॉलेजेस में आपको प्राइवेट कॉलेजेस सब आएगा। प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर एक से नामी कॉलेजेस सब है, वो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए प्रमोशन नहीं करते हैं और मैं स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रमोशन करता हूँ। तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए खुद से इंक्वायरी कीजिए व्हिच वन इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, या आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल, आपको वहाँ पर शो आउट हो जाएगा किसकी रैंकिंग कितना पाए। मैंने भी देखा है सर्च करके, बहुत मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस जो टॉप 10 में शो किया जाता है यूट्यूब पर वो 99% एक्यूरेट है। अब आते हैं दोस्तों कि आप नीट के एग्जाम के बेसिस पर देते हैं तो आपको पहली बात तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सेस करने के लिए आपको जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही डाउन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपका एडवांटेज क्या है कि आप टॉप की 5 गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हो। और एक आपको ये फायदा होता है कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेस नहीं कर पा सकते हो तो आप लोअर फी में प्राइवेट या लोअर प्राइवेट कॉलेजेस सब ले सकते हो। प्राइवेट में भी एक हायर लेवल प्राइवेट कॉलेज रखा गया है, एक लोअर लेवल प्राइवेट कॉलेज मेरे कैटेगरी अनुसार रखा गया है। अगर आप हायर प्राइवेटी में कॉलेज में जाते हो प्राइवेट में भी पढ़ने, तो आपको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतना फी पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोअर रैंकिंग मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको ऑलमोस्ट 10 लाख की सब्सिडी में, 10 लाख कम फी में आपको यहाँ पर पढ़ने में मिल जाएगा। दोस्तों एक और कन्फ्यूजन आता है जो कि मैं यहीं पर क्लियर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मतलब फ्री होगी, कोई भी फी नहीं लगेगा। बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट ने ये रखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ नेपलीज बच्चे के लिए, वो भी टोटल सीट्स की 75% सीट्स ही नेपलीज बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर जो 25% सीट बच रही है उसमें से 8 सीट फॉरेन बच्चे को दिया गया है जो कि टोटली पेड है, और उसमें से जो 17 सीट है वो भी टोटली पेड है फॉर नेफ्रिज। तो ये बताया जाए कि 25% ही सीट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल जो है वो फुल स्कॉलरशिप या फुली सब्सिडाइज है, और जो 25% है उसमें से कुछ परसेंट 8%
गवर्नमेंट के लिए, फॉरेन बच्चे के लिए जो इंडियन के लिए बोला जाए स्पेशली, उनके लिए रखा गया है पेड में, या मीन्स विदाउट सब्सिडाइज एंड विदाउट स्कॉलरशिप। और उसी तरह से 17% जो सीट है वो नेफ्रिज के लिए रखा गया है। तो सो फाइनली कि कोई दोनों के जो एग्जाम के पैटर्न है दोनों के लिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। आप किस बेसिस पर जाना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या है, क्या अच्छाई है, क्या आप कौन से बेसिस पर जाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं फाइनली ये वीडियो को कंक्लूड करूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता हूँ, मेरा मार्क अच्छा नहीं है, मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, आप एग्जैक्टली अपना होप लूज कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट नीट पर आप अपना एडमिशन ले लीजिए। आपके पास हिम्मत है, आपके पास जज्बा है, आपके पास लड़ने की क्षमता है, आप सोच रहे हो कि कोई मुझे मेंटर मिल जाए, कोई मुझे गाइडेंस मिल जाए, तो मैं नेपाल की बेस्ट कॉलेज में जा सकता हूँ। भले ना मैं इंडिया के एम्स दिल्ली में पुग पाया, लेकिन नेपाल की एम्स दिल्ली में पुग जाऊँ, लेकिन नेपाल के लिए जो एम्स दिल्ली से कंपेयर होता है उस कॉलेज में पुग जाऊँ, तो मैं जरूर आपका गाइड करूंगा, जरूर आपका मेंटरशिप करूंगा। नीचे दिए गए वीडियो में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट कॉलेजेस रहेगा और मैं कैसे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को ग्रैब कर सकता हूँ। दोस्तों लास्ट ईयर से, लास्ट 3 to 4 ईयर्स से हम लोग यही गाइडेंस कर रहे हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशली बच्चे सब पढ़ता है। तो जैसे कि इस साल भी मैंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराया, टोटल 14 मेडिकल कॉलेजेस में मैंने यहाँ की आउट ऑफ 21 में एडमिशन कराए हैं इंडियन बच्चे का, जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स मेरा है टोटल यहाँ पर, जो भी मैंने 14 मेडिकल कॉलेजेस में कराए एडमिशन। तो इसमें ऑलमोस्ट जो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, ऑलमोस्ट 4 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया है। तो सो अगर आप भी उस तरह से इंटरेस्टेड बंदे हैं और आप सोच रहे हैं कि MBBS नेपाल परस्यू करना है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करना ना भूलें और अपना क्यूरी पुट आउट करना ना भूलें। जरूर दोस्तों ये आपको गारंटी मिलता है, एश्योरिटी मिलता है कि आप जब भी आते हो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सी यू गाइस सून, टेक केयर, हैव अ गुड डे।